हाँ जी सर, आपका नाम? मैं एस के रैना, एडवोकेट, कन्वीनर लीगल सेल भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट पुंछ। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कारण है वो ये है कि यहां पुंछ नगर में अगर आप देखें तो गली कूचों में मार्केट में देखेंगे तो कुत्तों के अंबार लगे हुए हैं। जिस तरफ देखो कुत्ते ही कुत्ते हैं और कोई भी हादसा हो सकता है, किसी भी बच्चे भी आप देखेंगे कि कुत्ते ही कुत्ते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट कम्प्लेक्स में के करीब सफाई कर्मचारी को एक कुत्ते ने काटा है। तो मेरी म्युनिसिपल काउंसिल से यहां जो चेयरमैन है उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन कुत्तों का कोई बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि आप देखें डाक बंगले की तरफ चले जाएं तो कुत्ते ही कुत्ते, यहां पर हॉस्पिटल की तरफ जाएं तो कुत्ते, कोर्ट की तरफ जाएं कुत्ते, मार्केट में जाएं कुत्ते, किला मार्केट की तरफ, बस स्टैंड की तरफ जाएं कुत्ते। सबसे बड़ी समस्या ये है बुजुर्ग और बच्चे और अकेला आदमी सुबह के समय और शाम के समय नहीं निकल सकता है, क्योंकि कुत्तों का इस कदर डर है, यहां पर इस कदर डर है कि किसी भी आदमी को काट सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुत्ते की अगर काट जाए तो वैक्सीन जो है उसकी वैक्सीन लगती है, इंजेक्शन लगते हैं, वो बहुत कीमती हैं। तो मेरी म्युनिसिपैलिटी काउंसिल से, म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ से गुजारिश है कि मेहरबानी करके इन कुत्तों के ऊपर जो है वो काबू पाया जाए, या जैसे पहले हुआ करता था कि कुत्तों को जहर दिया जाता था या शहर से भगा दिया जाता था, उस किस्म का कोई कार्य किया जाए। दूसरा मैं एक और चीज लाना चाहता हूं म्युनिसिपल काउंसिल के नोटिस में कि मेहरबानी करके देखिए नालियों में देखें तो कूड़ा और बॉटल प्लास्टिक्स की, कस्सियों में देखें कूड़ा और बॉटल प्लास्टिक्स की, और गिलाजत के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये प्लास्टिक, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधर से प्लास्टिक को बैन करती है और यहां पर प्लास्टिक चल रहा है, प्लास्टिक के लिफाफे, प्लास्टिक की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक के गिलास, और आप देखें सभी नालियां चौक कर रही हैं, सभी कस्सियां चौक कर रही हैं। जैसे ही बारिश होगी ये सारा गिलाजत के ढेर जो है वो सड़कों पर लगेंगे। तो मेहरबानी करके अपने अमले को एक्टिवेट कीजिए और सफाई कर्मचारियों को एक्टिवेट कीजिए ताकि यहां कूचे सब साफ हों। और मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से, सरकार से, डीसी साहब से और खसूसी तौर पर एलजी साहब से कि मेहरबानी करके, शहर की पॉपुलेशन हमारी सेवरल फोल्ड हजारों में बढ़ गई है, उसके अलावा यहां पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा हो गई है, लोग बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी का नंबर है हमारा वही जो 15 साल पहले था, 20 साल पहले था वही है। तो मेहरबानी करके कम से कम म्युनिसिपल काउंसिल में सफाई कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की जाए और कम से कम ये इस शहर को, एक हिस्टोरिकल शहर है, इसको साफ रखा जाए। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने 1,55,00,000 रुपए स्टोन हॉल की रिनोवेशन के लिए दिए हुए हैं, तो हम सरकार से और भी गुजारिश करेंगे कि बाग डेडी को रिनोवेट किया जाए। और ये जो किला मुबारक है करोड़ों रुपए लगाए गए हैं और देखें हालत, और किले के पीछे की तरफ आप देखें इतनी सोफिस्टिकेटेड लाइट्स लगी हैं लेकिन इतनी गंदगी है वहां पर पीछे, इतना वहां कूड़ा करकट बॉटल्स पड़ी हैं, आप कहेंगे किले की कौन सी तरफ जा रहे हैं। तो मैं म्युनिसिपैलिटी की तवज्जो चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो चाहूंगा, ये हिस्टोरिकल हमारा मॉन्यूमेंट है किला, कम से कम इसकी जो एडजाइनिंग एरिया है वहां तो सफाई कीजिए। आप पीछे मार्केट की तरफ से चले जाएं, इतनी गंदगी है कि वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो मेहरबानी करके जिन चीजों का मैंने इश्यू उठाया उनका संज्ञान लीजिए और ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके।